having any doubt with the structure of the nephron? Yes. Anyone having any doubts with the nephron structure was clear? Anji, all clear? What is the renal tubules? What is the Bowman capsule? How they are functioning? What is the role of the Bowman capsule? What is the glomerulus? All clear. Done. Now coming further, that is the urine formation. Formation of urine or the mechanism of urine formation. Next, write down. Mechanism of urine formation. This is mechanism of. The mechanism of urine formation that involves the three steps basically, depending upon the functioning of the nephron's parts. ठीक है, नेफ्रॉन के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनके बेस पे, उनके फंक्शंस के बिहाफ पे इसमें तीन स्टेप्स आते हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. राइट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ऑन द लास्ट डे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज जीएफआर, दैट इज अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. व्हाट इट इज फॉर द नॉर्मल किडनी, फॉर अ नॉर्मल किडनी हाउ मच इज द जीएफआर पर डे? 180 liters per day. That is a glomerular filtration rate. ठीक है, अगर ये कभी कम पड़ जाता है या ज्यादा हो जाता है, that depends upon the flow of the blood, है ना. अगर तो blood flow slow हो गया तो क्या होगा, GFR भी slow down हो जाता है. अगर blood flow तेज हो गया तो GFR भी तेज हो जाएगा, है ना. So depending upon the flow of the blood, GFR बढ़ या ज्यादा सकता है, लेकिन उसको बाद में regulate किया जाता है. ठीक है, देर आर स्पेशल यू कैन से स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड ऑफ द सेल्स, कम्प्लेक्स ऑफ द सेल्स इज हियर, जेजी अपरेटस हम उसको बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर, आगे कराएंगे आपको. तो वो क्या है, वो उसको रेगुलेट करते हैं. मतलब अगर कम पड़ रहा है तो उसको बढ़ा दें, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कम कर दें. ठीक है, लेकिन वो जी एफ आर जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू द फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या था, वट इज ग्लोमेरुलस? ब्लड वेसल्स का क्लस्टर, दैट विच रीचेस टू द बोमन कैप्सूल फॉर इट्स फिल्ट्रेशन. ठीक है, द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज इन अनदर नेम फॉर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. व्हाई डू वी कॉल इट एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? बिकॉज ऑफ द वेरी माइन्यूट पोर साइज ऑफ द नेफ्रॉन्स बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल आप लोगों ने पढ़ा था ना उस दिन, बोमन कैप्सूल की इनर मेम्ब्रेन मैंने बोला था, दिस इज द बोमन कैप्सूल एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बोमन कैप्सूल दैट हैज द पोर्स, है ना. सिर्फ नीचे नीचे, ऊपर सारी मेम्ब्रेन में नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे नीचे जहां से फिल्ट्रेशन होना. अब ये जो पोर्स हैं इसके, ये बहुत ही स्मॉल इन साइज है. दीज आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, स्पेशलाइज्ड ओनली टू हैव द इलेक्ट्रोलाइट्स और द आयनिक साइजेस के हिसाब से इनके स्पेशलाइज पोर साइजेस हैं, जिससे ये सिर्फ उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालते हैं जो हमारे लिए वेस्टफुल हो जाते हैं. ठीक है, वाटर निकल के आएगा, यूरिन बनाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे वाटर आएगा, प्लस साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरी माइन्यूट साइज ऑफ दीज, वेरी वेरी फाइन साइज ऑफ द पोर्स, दिस हैज आल्सो बीन कॉल्ड एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. व्हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? दैट इज बिकॉज इट हैज अ वेरी माइन्यूट फिल्टर पोर्स और द स्लिट पोर्स, जो हमने उस दिन बोले थे. ठीक है, फिल्ट्रेशन पोर्स आर वेरी माइन्यूट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मैंने उस दिन क्या बताया था, क्या क्या आएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगी ग्लोमेरुलस की, यहाँ पे से ग्लोमेरुलस निकल के जाता है, दिस इज व्हाट एफेरेंट आर्टरियोल, दिस इज व्हाट ईफेरेंट आर्टरियोल. नाउ दिस ग्लोमेरुलस ब्रिंगिंग द ब्लड, पासिंग आउट द इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट. सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सारे के सारे यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, डिपॉजिट नहीं हो रहे, दे आर एक्चुअली गेटिंग फिल्टर्ड एंड दे आर एंटरिंग इन टू द नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चर. ऐसे ही हो रहा है ना. ठीक है, along with the electrolytes there is also the water and the ions or the electrolytes, what we write electrolytes. So ye do cheeze hain jo yahan pe filter out ho jati hain, that is which constitutes the glomerular filtration, hai na. Glomerular filtration jo hai wo water ki plus sath mein electrolytes ki filtration se taiyar hota hai. That is the water and electrolytes filtration that is called as a glomerular filtration. Done? Clear? Only this much is the filtration. Filtration जो हमारे को तीन क्या बोलते हैं membranes के through, तीन you can say surfaces के through आगे जाके filter out होके Bowman capsule के अंदर enter करती है. What are the three surfaces known as?
ग्लोमेरुलस का क्या है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस. देन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. देन इज बोमेन कैप्सूल्स, एपिथीलियम. ठीक है, तो तीन मेम्ब्रेन्स को कवर करके ये सारा आप इसमें नोट में लिख सकते हैं. दैट इज पॉसिबली कमिंग आउट फ्रॉम द थ्री लेयर्स, दैट इज एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन एपिथीलियम ऑफ द बेसमेंट, सॉरी एपिथीलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल. जब ये इनमें से निकल के आ जाएगा ये सारी चीजें, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट, दैट इज द फिल्ट्रेट. डन. बॉडी फ्लूइड्स में से फिल्ट्रेट बाहर आ गया. ठीक है, सेकेंड स्टेप अब हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट भी हमने जो पढ़ा था, दैट इज द GFR. अ नॉर्मल GFR इज 180 लीटर्स पर डे, बट आर पास आउट इज ओनली 1%. सो वेयर डज द 99 गोस? इट गेट्स reabsorbed, है ना? ये उस दिन हमने डिस्कशन किया था. सो द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एज reabsorption. What is this reabsorption? Now, reabsorption क्या बोला अभी हमने? कि 180 liters per day का GFR है, ठीक है, एक normal kidney का, लेकिन only 1% is thrown out. 99 is back, it is gained again by the body fluids. ठीक है, body fluids क्या है? Blood है. ठीक है, body fluids उनको वापस ले लेते, ठीक है, आयंस को वापस ले लेते. तो जब भी reabsorption हमारा चालू होता है, reabsorption का process शुरू होता है, it takes place from the reabsorption as well as the tubular secretion. These two processes starts from the renal tubules. ठीक है, renal tubules में कौन कौन आते हैं? PCT, lupofenlay and DCT. तीन चीजें हैं. ठीक है, so PCT सबसे पहला हमारे पास, first organ for the reabsorption process as well as the secretion also. A bit of secretion is done and more of reabsorption is done. PCT is known for nearly 70-80% of the reabsorption of the materials is done by PCT. PCT जो है, जितनी total reabsorption होनी है उसकी nearly 80% reabsorption PCT से हो रही. क्यों? हाँ जी, क्यों maximum PCT ही involve होता है? Because of the network. Network of the arterioles and the venules around it, है ना? क्योंकि वहां पे maximum placed जो arterioles हैं वो present है. उसके बाद तो वो single channel बन जाएंगी ना. ठीक है, सो एक नेटवर्क, पूरा का पूरा क्लस्टर है arterioles का जो कि PCT को सराउंड करता है. दैट इज वाई द मैक्सिमम reabsorption has been taking place here on the PCT. The PCT is thus also, you can say, helpful in maintaining the pH or the ionic balance. pH जो है, आयनिक बैलेंस जो है, ये सारा कुछ क्रिएट किसने करना है? PCT, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीनल ट्यूब्यूल. डन. ओके, देयर इज आल्सो सम काइंड ऑफ द सिक्रीशंस मेड बाय द PCT, बट मोर ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन इज देयर डन बाय द PCT. कमिंग टू द नेक्स्ट, आफ्टर PCT कौन सा पार्ट आएगा? लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले याद है क्या था? हाँ जी, आफ्टर दिस PCT, दिस नैरोज डाउन एंड देन फॉर्म्स अ यू शेप स्ट्रक्चर. ऐसा ही था, है ना? सो व्हाट इज दैट यू शेप स्ट्रक्चर? लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले में हमने दो लिम्स की बात करी थी. वन वाज डिसेंडिंग लिम्ब, वन वाज असेंडिंग लिम्ब, है ना? सो डिसेंडिंग लिम्ब जो है, दैट इज परमेबिलिटी जो यहाँ पे मेनली आती है लूप ऑफ हेनले की. मेनली इट वर्क्स विद द वॉटर एंड द सोडियम क्लोराइड आयंस. मेन जो यहाँ पे सर्कुलेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये वो चीजों की हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले में वाटर और NaCl के साथ. क्यों? क्योंकि लूप ऑफ हेनले इज नोन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, लूप ऑफ हेनले इज नोन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. यूरिन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसने मेंटेन करनी है? लूप ऑफ हेनले. सबका अलग अलग काम है, ठीक है, सबका यहाँ पे अलग अलग काम है. रीअब्सॉर्प्शन मेनली ये कर रहा है, सिक्रीशन भी हो रही है साथ साथ. ठीक है, मेन रीअब्सॉर्प्शन इज डन बाय PCT, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज मेंटेन्ड बाय लूप ऑफ हेनले, एंड द थर्ड इज DCT, दैट इज डिस्टल कॉन्सेंट्रेटेड ट्यूब्यूल. DCT जो है यहाँ मेनली सिक्रीशन देता है, मेनली ये सिक्रीशन गैदर करता है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशनल reabsorption भी provide करता. Conditional reabsorption means only to the selective ions. Conditional reabsorption only to the selected ions and only under the selected circumstances.
ठीक है, कुछ एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था जब इन्हें क्रॉन स्ट्रक्चर किया था, व्हेन लेट्स से देयर इज मोर ऑफ द हाइड्रोजन आयंस और द वाटर दैट इन द यूरिन व्हिच नीड नॉट टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, तो क्या है, बस सेक्रीशन दे देगा, है ना, वो वापस क्या है उसको बाहर फेंक देगा। डीसीटी जो है, यहाँ हमारे जो टिब्यूलर सेक्शन है, रीनल टिब्यूल जो है, दे आर नोन फॉर द रीअब्सॉर्प्शन एज वेल एज सेक्रीशन, टिब्यूलर सेक्रीशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो तो थ्रो तब करेगा ना जब ही एंड तक पहुंचते पहुंचते, यानी डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास ज्यादा चीजें जो है वो निकलने के लिए तैयार हो, बॉडी का रिमूवल होने के लिए तैयार हो। लेकिन वॉट इफ अगर वो बॉडी से रिमूवल नहीं, वहां पे ऑलरेडी ब्लड जो है वही अभी तक मांगी जा रहा है उससे, है ना, ब्लड ही रीअब्सॉर्ब करता जा रहा है, अभी तक बॉडी फ्लूइड्स ही उसमें से निकालती जा रही, एंड तक निकालती जा रही है, अभी टिब्यूलर सेक्रेशन की बारी भी नहीं आ रही है लेकिन एंड तक वो निकलता ही जा रहा है, ठीक है, अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ओनली, जैसे अभी मैंने बताया था जीएफआर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उस टाइम पे हमारे पास सॉल्ट्स जो हैं वो ज्यादा बैलेंस्ड वे में नहीं ट्रेवल हो रहे, उस टाइम पे हमारे जो सॉल्ट्स हैं वो बैलेंस्ड वे में नहीं रिमूव आउट हो रहे, जिसकी वजह से कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती है, और ज्यादातर कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन जो होती है वो होती है हाइड्रोजन आयंस की या बाइकार्बोनेट आयंस की। हाइड्रोजन आयंस मीन्स वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस या वाटर भी लिख सकते हैं। तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन जो है वो हो रही है बाइकार्बोनेट आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की या वाटर की, दैट इज मेंटेन्ड बाय डीसीटी। सो दिस इज अंडर द रीअब्सॉर्प्शन सेकेंड स्टेप। रीअब्सॉर्प्शन हुआ क्यों, दैट इज बिकॉज जीएफआर जो था दैट इज 1% रिमूवल है उसका अकॉर्डिंग टू द जीएफआर एंड 99% इज रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, इस वजह से रीअब्सॉर्प्शन वापस हो रहा है, और कौन कौन करवा रहा है ये सब। अब ये वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन मेंटेनेंस कैसे हो रही है, कंसंट्रेशन कैसे बैलेंस होती है, कैसे ये वाटर और सोडियम क्लोराइड जो है आपस में किस तरह से परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी की वजह से मोर ऑफ द सॉल्ट्स एंड लेस ऑफ द सॉल्ट्स, मोर ऑफ द वाटर लेस ऑफ द वाटर को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप इज वॉट, reabsorption done, okay, coming to the third step after reabsorption, reabsorption में मैंने बताया था 99% reabsorb होना है back into the body fluids, है ना, body fluids में वापस चला जाना है, लेकिन अगर कुछ रह जाता है, अगर कुछ later parts हमारे जैसे कि even collecting duct, ठीक है, collecting duct वैसे बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल last of collecting duct तो throw कर देगा into the calyces, है ना, बताए थे ना आपको कैलाइसिस क्या है, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स का इकट्ठा, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स, है ना, दैट इज कैलाइसिस, एंड द कलेक्शन ऑफ द कैलाइसिस इज नोन एज रीनल पेल्विस, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इस तरह से, अगर कलेक्टिंग डक्ट्स के लेटर पार्ट्स में पहुंच जाए सेक्रेशन फिर वो वापस रिवर्ट नहीं होती, लेकिन लास्ट तक जहां तक कलेक्टिंग डक्ट शुरू हो रही है वहां तक भी अगर कोई चीज ने रिमूव आउट होना है, अगर हमें लगता है कि ये बहुत सारी चीजें जो है वो निकलती जा रही है, फॉर एग्जाम्पल इज यूरिया, है ना, उसको एक लिमिटेड अमाउंट में रिमूवल देना है, अगर वो ज्यादा निकल रहा है, या कोई हाइड्रोजन आयन है, ग्लूकोस है ना, वो अगर ज्यादा निकल रहा है तो वो क्या है, हमारी टिब्यूल्स, हमारी रीनल टिब्यूल्स खुद से ही वापस बैक इनटू द बॉडी फ्लूइड डाल देती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। सिक्रीशन नो डाउट सारी तरफ हो रही है, तीनों से हो रही है, लेकिन दैट इज इन अ मेंटेन्ड वे, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर लेवल्ड वे में, राइट, क्लियर। सो ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या है, दैट इज ऑल द नेसेसरी थिंग्स, इफ दे आर बीइंग एक्सक्रीटेड आउट दे विल बी सेक्रेटेड बाय देमसेल्व्स, दैट इज बाय द रीनल टिब्यूल्स देमसेल्व्स बैक इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। पहले रीअब्सॉर्प्शन किसने की थी, रीअब्सॉर्प्शन कौन कर रहा है, नेफ्रॉन या ब्लड वेसल, ब्लड वेसल कर रहा है, और ट्यूबुलर सेक्रीशन कौन कर रहा है, नेफ्रॉन या ब्लड वेसल, नेफ्रॉन, है ना, रीनल टिब्यूल्स। तो जब ये पहले क्या है, ये अपने से जितना ले पाता है, मैक्सिमम 99% में जितना मैक्सिमम ले पाएगा, रीअब्सॉर्ब कर पाएगा, वो करते रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका जाल बना हुआ है पूरा का पूरा, ये जो आर्टरी है इसके अराउंड पूरा जाल बना हुआ है ना, है ना, तो जितना ये रीअब्सॉर्ब कर पाएगा दैट इज डन, अगर नहीं कर पाता है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसका पाथवे खत्म हो गया, ठीक है, उसका कनेक्शन खत्म हो गया। लास्ट में ट्यूबुलर सेक्रेशन यानी रीनल टिब्यूल्स ने भी कुछ ना कुछ बाहर फेंक देना है, इफ इट इज अनयूज्ड थिंग्स व्हिच आर गोइंग आउट और मोर ऑफ द कंसंट्रेशन व्हिच इज बीइंग रिमूव्ड आउट, देन डन, क्लियर हुआ।
ओके सो दीज आर द थ्री स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या था? योर इन्फॉर्मेशन का मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सेकेंड रीअब्सॉर्प्शन. थर्ड ट्यूबुलर सेक्रेशन. डन. एनी कंफ्यूजन? ऑल क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द ये फंक्शन हमने कंटिन्यू करना है. दैट इज हाउ डज द लूप ऑफ हेनले मेंटेन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन मेंटेन करने के लिए कैसे ये हेल्प करती है हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है. दिस इज नोन एज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म. व्हाट डू वी कॉल दिस एज? काउंटर करंट मैकेनिज्म. करंट mechanism. Now what is counter current mechanism? The counter current mechanism that mainly deals with the maintenance of the concentration of the urine. Hai na? Concentrated fluids kya hote hain? What are the concentrated fluids? Simple. Which has more of the solute, less of the solvent. Hai na? What are the dilute solutions? Which has more of the solvent, lesser of the solute. But these are the solutions. So is urine. है ना? Urine जो है वो already हमारे पास salts plus water का mixture है ना? Electrolytes along with the salts. Salts कैसे कैसे क्या क्या remove out होते हैं ये हमने पढ़ लिया. ठीक है. अब ये सारे salts हमारी urine में, मैं बार बार बोली हूँ शुरू से लेके अभी तक कि extra salts ना निकल जाए. Without used salts जो है वो निकल ना जाए. है ना? जो अभी तक use नहीं किए हैं वो ना चले जाए. तो ये चीजें कैसे मेंटेन की जाती हैं? दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द लूप ऑफ हेनले. ठीक है. सो काउंटर करंट मैकेनिज्म दैट इज मेंटेन्ड और दैट इज हेल्प्ड बाय द लूप ऑफ हेनले अलोन. डन. अब हमने सिर्फ लूप ऑफ हेनले बनानी है और साथ में हमने बनाना है ब्लड वेसल जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है. ठीक है. सो यहाँ पे समथिंग पीसीटी एंड वो सारा स्ट्रक्चर है. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द लूप ऑफ हेनले एंड सो विल यू ऑल्सो मेक. थोड़ा इसको बिगर साइज में बनाना क्योंकि ये समझने के लिए और फिलअप करने के लिए बहुत बड़ा है. थोड़ा दूर दूर बनाना दोनों लिम्स को. सो लेट्स से दिस इज द फर्स्ट यू शेप स्ट्रक्चर दैट इज द लूप ऑफ हेनले. डन. हाँ जी मेक इट साथ साथ ही बना लो फटाफट. दिस इज द इनिशियल. This is a part of the nephron and that is the loop of Henle. If we categorize the placement of these parts, then there is the cortex. The initial parts of loop of Henle start hote hain, that is from the cortex. Then it is the outer medulla and the loop is within the inner medulla. Okay, so this is the outer medulla. And jo iska loop hai, that is in the inner medulla. Done. And this is what? This is the loop of Henle. Henle's loop. Done. खुला खुला बनाओ या दूर दूर बनाओ? दोनों पास पास नहीं बनाओ, दूर बनाओ. अभी बीच में एक और यू बनना है. सब दूर दूर बनाओ. हाँ जी डन. लूप ऑफ हेनले. नाउ द नेक्स्ट इज द टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा. डू यू नो व्हाट इज वासा रेक्टा? हाँ जी ब्लड वेसल दैट विच सराउंड्स द loop of Henle. Very nice. So I have just made it with a blue colored chalk. If it is visible to online students, offline वालों को तो दिख रहा है. Blue chalk differentiate हो रहा है. ठीक है. So this is what? This is the vasa recta. हाँ जी बन गया. क्या चाहिए? So label this as vasa recta. वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले. डन. मेड दिस.
अब वासा रेक्टा जो आया था, अगर आपको याद है जब हमने ये डायग्राम बनाया था तो यहाँ पे हमने बोमन कैप्सूल बनाया था, याद है? नहीं तो अपना डायग्राम देख सकते हैं आप लोग जो नेफ्रॉन का बनाया था। देखो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में बोमन कैप्सूल था, क्योंकि ये मैं यूट्यूब इधर से बना रही हूँ, है ना? बोमन कैप्सूल है यहाँ पे इस तरह, है ना? ए फ्रेंड आर्टरी और ई फ्रेंड आर्टरी, ई फ्रेंड आर्टरियोल ऐसे आई नीचे की तरफ, है ना? डायग्राम में देखो इफरेंट आर्टरियोल जब ही बोमन कैप्सूल से निकल के बाहर आई तो वो इधर को आई यूट्यूब की तरफ, है ना? सो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला इसका डिसेंडिंग लिंब होना चाहिए और ये वाला असेंडिंग होना चाहिए। समझे कि नहीं? नहीं समझे? आपका ये बोमन कैप्सूल है, मेरा हैंड बोमन कैप्सूल है, ठीक है? ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है ये बोमन कैप्सूल है, ये डन है, ठीक है? एफरेंट आर्टरियोल इधर आई, इफरेंट आर्टरियोल यहां से निकल गई और ये ऐसे रीच करी थी ना लूप ऑफ हेनले की तरफ नीचे, है ना? तो जो वासा रेक्टा नीचे आ रहा है ये वाला, ये होगा ना डिसेंडिंग लिंब वासा रेक्टा का। जहां नहीं समझ आएगा पूछ लेना मेरे से साथ साथ। दिस इज व्हाट डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। समझ आई? अब पहले समझ आई? एक मिनट दोबारा आ रहा हूं। डायग्राम है आपके पास? डायग्राम खोलो सब लोग, डायग्राम खोलो नेफ्रॉन वाला। डायग्राम में देखो बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल से बाहर आप जो एफरेंट आर्टरियोल निकाल रहे हो, अब वो वासा रेक्टा की तरफ जा रही है नीचे। देखो अपने डायग्राम में देखो, नेफ्रॉन वाले में, इसमें नहीं देखो कुछ भी, नीचे जा रही है टुवर्ड्स द, ये जहां एफरेंट आर्टरियोल निकाली, इट इज गोइंग डाउन, है ना? द लिंब विच इज रीचिंग ब्लड वेसल का, जो लिंब लूप ऑफ हेनले तक पहुंच रहा है वो नीचे जाता हुआ आया है ना, तो उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिंब। समझ आया? ये यहां से निकला और फिर ये डिसेंड हो रहा है नीचे को, वो बताती हूँ, ये समझ आया? ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आई एम राइटिंग एल एच, ठीक है? आप पूरा लिखना है तो लिख लेना अपने याद रखने के लिए। इफ दिस इज द डिसेंडिंग लिंब, तो ये ऊपर की तरफ राइज कर रही है, ये अगर डिसेंड कर रही है तो ये ऊपर जा रही है, तो ये क्या होगी? असेंडिंग लिंब, ठीक है? सो आई एम सिंपली राइटिंग हियर ए एल, ए एल असेंडिंग लिंब, एंड दिस वाज डी एल, दैट इज डिसेंडिंग लिंब। डन हो गया, इतना समझ आ गया? ओके, नाउ कम टू दिस लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले का बोमन कैप्सूल यहाँ पे था हमारा, ऐसा है ना, बोमन कैप्सूल से पीसीटी निकला और ये लूप ऑफ हेनले, सो दिस इज गोइंग डाउन पर डेज डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे ऑपोजिट आ रही है, देखो वासा रेक्टा की असेंडिंग लिंब फेसिंग द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर हुआ इतना? जहां नहीं क्लियर होगा पूछ लेना। डिसेंडिंग लिंब ऑफ, सर दिस वॉज नॉट लूप ऑफ हेनले, दिस वॉज वासा रेक्टा, वी आर लिखो इसको, दिस वॉज वासा रेक्टा डिसेंडिंग लिंब एंड दिस इज द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। हाँ जी, ठीक है, डन है। ब्लू वाला सारा मैंने वासा रेक्टा बनाया, व्हाइट वाला सारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है? अगर ये डिसेंडिंग लिंब है तो ये ऊपर जा रही है, ये असेंडिंग लिंब। डन, ठीक है, ओके। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये ऑस्मोलैरिटी चेक करता है, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। वन टर्म विच वी यूज इज ऑस्मोलैरिटी, मोलर्स करा हुआ है ना आप लोगों ने, मोलर्स मोलैरिटी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोरालिटी होता है ना, क्या होता है, मोलैरिटी, हाँ मोलैरिटी होती है ना, सो ऐसे ही ये मोलैरिटी है, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है? दैट मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स विद इन द सॉल्वेंट। डन, द ऑस्मोलैरिटी दैट इज मेजर्ड इन द मिली ऑस्मो पर लीटर्स, मिली ऑस्मो पर लीटर, मिली स्मॉल ऑस्मो ओ कैपिटल पर लीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ द ऑस्मोलैरिटी। डन, ठीक है, हाँ जी, आई विल कंटिन्यू दिस अगेन। और आपको ये अब बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ये माइंड में रहना चाहिए कि कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिंब से, ठीक है? कल आते ही हम पहले इसको ड्रॉ करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू।
राइट, वो मैं बताती हूँ।